मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 12, क्लास 7th, यूनिट HCF एंड LCM, पेज नंबर 21. सॉरी. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द HCF. क्लियर? सो HCF, वॉट इज HCF? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वी हैव टू फाइंड हियर. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. फर्स्ट वन 25 एंड 40. सो हियर वी हैव टू फाइंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि 25 एंड 40 किससे डिविजिबल है. सो हम देखेंगे यहाँ पे 5 से 25 एंड 40 डिविजिबल है, क्योंकि 5 की टेबल में 25 एंड 40 दोनों आते हैं. तो 5 फाइव सा 25 एंड 5 एट सा 40. एंड हियर वी कैन सी ओनली 5 इज द कॉमन. 5 इज हियर कॉमन. ओके, सो एंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5 फैक्टर भी है एंड कॉमन भी है. तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे. देयर फोर HCF इक्वल टू 5. ओके, एंड हम इसको और ज़्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 एंड 8 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं. तो हम इसको यहीं तक ही सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड वन इज 56 एंड 32. सो हम यहाँ पे देखेंगे कि 56 एंड 32 दोनों कौन सी एक टेबल में आते हैं. दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए. ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पर 2 के टेबल में. तो 2 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 6 12. अब 28 एंड 16 भी हमारे 2 के टेबल में आते हैं. तो 2 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, एंड 14 एंड 8 इज ऑल्सो कमिंग इन टू टेबल ऑफ 2. सो 2 7 14, 2 4 8. अब हम देखेंगे यहाँ कि 7 एंड 4 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं. सो हमारा फैक्टर यहाँ पे क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, दिस इज अवर फैक्टर. एंड वेयर हमारा कॉमन फैक्टर भी हमारा यही होगा. सो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको. देयर फोर HCF इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही हमारा फैक्टर बन रहा है और टू ही कॉमन भी है एंड हाईएस्ट भी 2 ही है इसमें. ओके, हम यहाँ पे देखेंगे 2 ही हाईएस्ट आ रहा है इसमें. सो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2. ओके, नाउ थर्ड वन इज 40 60 एंड 75. सो इट इज ऑल्सो कम इन 5 टेबल ऑफ 5. ओके, सो 5 8 40 एंड 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 1 5, हियर्स 2 5 5 25. नाउ वी कैन सी हियर 8 12 एंड 15. सो ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं साथ में. तो हमारा इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 5. ओके, ठीक है. नाउ हम देखेंगे फोर्थ नंबर 4. ओके, सो 4 नंबर पे 16 16 एंड 27. तो हम देखेंगे 16 एंड 27 कौन सी टेबल में आता है. तो हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 1 की टेबल में 16 आता है. 1 16 जो 16 1 27 जो 27. ओके, सो हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. ओके,
Understood? Now, fifth one. You can write down these in your notebook. Now, next one is fifth. Okay, fifth hai 1828. Sorry, 32 and 48. So 1832 and 48 ये टू की टेबल में आएगा. एंड 2 9 18, 2 1 2, 2 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8. एंड हम देखेंगे यहाँ पर 9 16 and 24 कोई भी एक टेबल में नहीं आएगा, मतलब टू की टेबल में नहीं आएगा. टू की टेबल में 9 नहीं आएगा, 16 आएगा हमारा एंड 24 आएगा. तो हमको ऐसी कोई टेबल फाइंड करना है जिसमें तीनों आ जाए, एंड ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है. तो हमारा जो एच सी एफ है, देयर फोर एच सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2. सिक्स क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स वन है 105 and 154. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 105 and 154 कौन सी टेबल में आएगा हमारा, 7. ओके, तो 7 में आएगा क्योंकि 7, तो 7 में 7 1 7 एंड 3 7 5 35, 7 7 2 14 एंड 7 2 14. नाउ वी कैन सी हियर 15 and 22 इज हियर. सो दिस, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं. तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा एच सी एफ इक्वल टू 7. ओके, सो स्टूडेंट मैं आपको 6 तक इसको सॉल्व कर रही हूँ एंड 7 8 9 and 10 इज योर होमवर्क. सो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड है आपका फाइंड द एच सी एफ बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो सो स्टूडेंट हियर इज फर्स्ट वन, 275 by 525. ओके, सो हमको इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको इसको डिवाइड करना है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमको इसको लिखना है. सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा बड़ा होगा, बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, वो हम अंदर लिखेंगे डिवीजन में, और जो हमारा छोटा होगा वो हम इसको बाहर लिखेंगे. ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 275 को सिर्फ वन टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा 275, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे 12, 12 में 7 जाएगा 5, और 4 में से 2 गया तो 2, तो हमारा यहाँ पे 250 आया. अभी हम देखेंगे 250 हमारा 275 से छोटा है, तो हमारा 275 जो है वो हम ऐसे लिखेंगे. ओके, सो 250 से हम इस 275 को हम उसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा तो 250 यहाँ आएगा, तो 5 वैसा के वैसा ही हो जाएगा. ओके, एंड 7 में से हमारा 5 गया तो 2 बचेगा. टू में से 2 गया तो 0. ओके, तो 25 आया यहाँ. अभी हम क्या करेंगे इसमें, सो हम 25 हमारा जो छोटा है तो हम इसको 25 को हम बाहर करेंगे एंड 250 को हम अंदर लिखेंगे. ओके, नाउ अब हम 25 से 250 को डिवाइड करते हैं, तो हम वन टाइम डिवाइड करेंगे तो 25, तो यहाँ पर 0 के वैसे ही, और 25 25 क्रॉस हो जाएगा. तो हमारा नीचे हमारा
जीरो आया, हमको इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक जीरो ना आ जाए, ओके? नीचे हमारा जो डिवीजन है वो हमारा जीरो ना आ जाए। सो अभी हमारे पास क्या आया, हमारा 25 आया, सॉरी 25 आया हमारा, 25 से हमने डिवाइड किया। तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, हमारा जो देयरफॉर हमारा HCF क्या हो गया, 25 हो गया। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है इसको। तो हम क्या करेंगे, 275 डिवाइड 525, और हम इसको जो हमारा 25 आया है तो हम उसको उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, 25 से हम डिवाइड कर देंगे। सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 by 25 होता है, एंड 25 21 525 होता है। आप इसको डिवाइड करके खुद देख लीजिए, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया है, तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ओके। नाउ हमारा सेकंड है, सेकंड है हमारा 76 by 133, ओके। सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 76 हमारा अंदर आएगा, 133 हमारा बाहर आएगा। 76 को करेंगे तो 76 को हम वन टाइम ही करेंगे, तो 76 यहाँ लिखेंगे हम, ओके। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 57। अभी हम देखेंगे कि 57 हमारा 76 से छोटा है, तो हमारा 76 अंदर आ जाएगा, ओके। और 57 को हम 76 से करेंगे डिवाइड, तो वन टाइम होगा 57, ओके। अब हम इसको फिर से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19, ओके। तो अभी हम 19 हमारा छोटा है तो हम 57 को अंदर करेंगे, एंड हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो 19 को हम 57 से डिवाइड करेंगे तो, सो 19 की टेबल में 57 थ्री टाइम आता है, तो 19 3 57। अब देखिए यहाँ पे 0 0 हो गया, तो हम इसको यहीं तक ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, HCF, therefore HCF equal to 19, एंड हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, अब 76 डिवाइड 19 एंड 133 डिवाइड 19। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमको, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19 4 76 आता है, एंड 19 7 133 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका होमवर्क रहेगा, 161 एंड डिविजिबल बाय 69, ओके। दिस इज योर होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो 6 7 8 9 and 10 है वो आपका होमवर्क है, ओके। आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न प्रैक्टिस दैट 13।